السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لسان يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كريم آمين يا رب العالمين तमाम नाजरन का इस्तबाल है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लर्न अरबिक लैंगवेज इन उर्दू इनशा बि करीम आज हड़ेंगे अदरसुस्सैैनी मिनखिजाब रोसुलाबीर नातिन अबिया इन शेंगे चैप्टर नंबर टू यानी जो हम सीखते हैं चैप्टर नंबर टू में आज वो हम पढ़ेंगे इस सबक़ में इनशा तो चलिए शुरू करते हैं बिसमिल्ल इस सबक़ में हम जो पढ़ते हैं वो हैं जैली वो क्या है जैली जालिका के क्या मानी हैं जालिका के मान हैं वो ठीक है इंग्लिश में क्या बोलते हैं देट ये इसका लफ्जी तर्जुमा है ठीक है अब हम देखते हैं कि इसकी तारीफ क्या है मुख्तरा जालिका जो है वो है इसम इशारतिन वो क्या है इस्म इशारतिन यानी वो ये वो इसम है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है जैसा कि हमने पढ़ा था हादसा जो है वो भी इसमारा है यानी वह इसम है जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है चलिए आगे लिल मुफरत लिल मुफरत जो दालिका है वो एक के साथ इस्तेमाल होता है मुफ़रत किसको कहते हैं एक को अलमुद्कर मुदक्र भी होना चाहिए ठीक है अलबीद दूर होना चाहिए ठीक है ये मेन फ़र्क है हादा और दालिका में हादसा जो है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है लिल करीब जो नज़दीक होगा ठीक है और जो जालिका है वो किसके साथ इस्तेमाल होता है लिल बीद जो दूर होगा अल व वग़ैर आक़िल चाहे अक़ल हो या न हो हाँ जालिका जो है वो इस्तेमाल होगा ठीक है ये मुख्तसरा यानि इनफॉर्मेशन है दालिका के मुतालिक चलिए आगे देखते हैं अब मिसालों की तरफ अल जो जिनको अक़ल है उनके साथ दालिका किस तरह से इस्तेमाल होता है जालिका रजुल इसकी क्या मानी है वह एक आदमी है वह एक आदमी है ठीक है इसी तरह से इसी तरह से जैलिका मदरसन वो एक टीचर हैं ठीक है जैली का तौलिबन वो एक स्टूडेंट है गैर गैरुला अब उनकी तरफ देखते हैं जिनको अक़ल नहीं होती हैं जैली का नजमन वह एक तारा है जैली का बैतुन वह एक घर है जैली का हसान वह एक घोड़ा है अलगरज़ हमको यहाँ पर ये यह सीखना है जो जालिका है वो इशारा है यानी वो इसमें जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है लिलमुफरद एक के लिए इस्तेमाल होता है अलमुदक्कर मुदक्कर होना चाहिए अलबीद लेकिन दूर होना चाहिए जो हादसा है वो नज़दीक के लिए इस्तेमाल होता है और जो दालिका है वो दूर के लिए इस्तेमाल होता है अक़िल वैर आक़िल अक़ल हो या न हो दालिका इस्तेमाल होता है बहुत आसानी कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे अब हमको पढ़ना है मनहांजालिका मनहांजालिका मनहाज़ा की क्या मानी है ये कौन है ये कौन है ठीक है मन हाज़ा जो, जो है ये किसके साथ इस्तेमाल होता है मन हाज़ा जो है ये क्वेश्चन यानी जब हमको क्वेश्चन करना होता है तब हम मन हाज़ा इस्तेमाल करते हैं किसके साथ अनिल करीब यानी जिसके मुतालिक हम क्वेश्चन करेंगे वो करीब होना चाहिए ठीक है और भी होना चाहिए ठीक है यानी हाजा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वेश्चन पूछना होता है ठीक है किसके इसके जो करीब होगा और आखिर होगा तब हम मन हाद इस्तेमाल करेंगे ठीक है अब देखिए मिसाल की तरफ पहली मिसाल मन हाद ये कौन हादा मुदीर ये है एक प्रिंसिपल है ठीक है मुदीर के कई मानी हैं अरबी जबान में यहाँ पर जो हम माना लेंगे वो हम लेंगे प्रिंसिपल का ठीक है चलिए आगे मन हाद यह कौन हादा इमाम यह एक इमाम है ठीक है देखिए जो हमने मन हादा यहाँ पर इस्तेमाल किया वो हमने सवाल करने के लिए इस्तेमाल किया ठीक है किन के साथ इस्तेमाल किया जो करीब हैं ठीक है यहाँ पर मुदीर और इमाम दोनों करीब हैं ठीक है अक़िल और उनके साथ इस्तेमाल किया जिनको अकल होती है ठीक है अब देखते हैं मन जालिका मंजालिका जो है ये भी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वेश्चन करना होता है ठीक है जब हमको क्वेश्चन पूछना होता है ठीक है जब हमको क्वेश्चन लिखना होता है कुछ भी ठीक है जब हमको क्वेश्चन करना होता है तब मगर किसके लिए हम क्वेश्चन करेंगे अनिल अनिलबीद किसके मुतालिक हम क्वेश्चन करेंगे अनिल बबीद अल वो दूर होना चाहिए और अक्लमंद होना चाहिए तब हम मंजाल का इस्तेमाल कर सकते अगर नज़दीक होगा तब हम मंजाल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब हम मनहाज़ा इस्तेमाल करेंगे अगर नज़दीक होगा ठीक है मिसाल के तौर तो पर अगर हमको कहना होगा हा मनहाज़ा ये कौन है अगर वो नज़दीक होगा तो हम बोलेंगे मनहाज़ा ठीक है अगर अगर वो दूर होगा तो हम बोलेंगे मन ठीक है कोई मुश्किल नहीं है बहुत आसान है मन जालिका वो कौन है हजालिका मदर वो एक उस्ताद है मन ालिका कौन है जालिका फ़ालिबन वो एक तलब इलिम है अलगर समझने की बात यह है कि मंदालिका जो है ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन उनके साथ वो दूर होने चाहिए और अक्लमंद होने चाहिए बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे अब हमको पढ़ना है महादा मा माहिका ये क्या है और वो क्या है ठीक है महादा के क्या मानी है ये क्या है ठीक है और वम वकी क्या मानी है और वालिका वा क्या है ठीक है बहुत आसानी कोई मुश्किल नहीं है अब हम देखते हैं कि मा हाजा हम कब इस्तेमाल करते हैं ठीक है और मा दाली का हम कब इस्तेमाल करते हैं मा हाजा जो हैं सुलिल करीबी गैर आक़िल ठीक है ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको है। हम 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 क्वेश्चन पूछना होता है ठीक है मा हाजा हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वेश्चन पूछना होता है किसके मतलब करीब जो क़रीब होगा और आकिल होगा ठीक है यानी माह हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वेश्चन पूछना होता है करीब मगर जिसके मुतालिक हम क्वेश्चन करेंगे वो नज़दीक होना चाहिए गैर और अक्ल नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को जिसके मुतालिक हम क्वेश्चन करेंगे ठीक है तब हम माह इस्तेमाल कर सकते हैं मादा वो क्या है ठीक है سؤال عن البعيد غير العاقل ٹھیک ہے ما ذالک یعنی يعني وہ کیا ہے یہ ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ہم کو question کرنا ہوتا ہے متعلق عن البعيد. وہ چیز دور ہونی چاہیے غیر العاقل اور اس چیز کو عقل نہیں ہونی چاہیے تب ہم ما ذالک استعمال کر سکتے ہیں اب دیکھیں مثالوں کی طرح پہلی مثال ما هذا یہ کیا ہے هذا حجر هذا हैजारन यह एक पत्थर है माहा ये क्या है हादा हमारा यह एक गधा है ठीक है महादा हमने इस्तेमाल किया क्वेश्चन करने के लिए ठीक है किसके साथ जो करीब है यहाँ पर करीब भी है हमार ठीक है और गैर आकल हमार जो गधा है उसको अकल नहीं होती है ठीक है मादालिका की तरफ आप देखिए मादालिका मादालिका मालिका वो क्या है जालिका लबान वो दूध है वो दूध है ठीक है माजाली वो क्या है दालिका का कितन एक बिल्ला है ठीक है अलगर्द जो जो हमको यहाँ पर समझना है वो समझने की बात ये है कि माहा जो है ये सवाल करने के लिए इस्तेमाल होता है कि इनके मतलब जो करीब हो और जो गैर अक़िल हो उनके साथ हम माहा इस्तेमाल करते हैं माजाली हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमको क्वेश्चन करना होगा बाईद किसके मुतालिक जो दूर वो चीज़ जिसके मुतालिक हम क्वेश्चन करते हैं वो दूर होगी और गैर आकिल जो गैरअकिल होगी ठीक है बहुत आसानी कोई मुश्किल नहीं है इस सबक़ में हम यानी जो चैप्टर नंबर टू है इस सबक़ में हम इतना ही सीखते हैं अब हम चलते हैं मेन सबक की तरफ ठीक है तो चलिए आगे अब हम आगे हैं मेन सबक पर अदरसनीसनी दूसरा सबक चैप्टर नंबर टू जैलिका जालिका की क्या मानी है वो ठीक है दैट इन इंग्लिश मै जालिका वो क्या हैं ठीक है क्या जवाब हैं जैलिका नजमुन वो एक तारा है ठीक है जो माँ यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है वो किसके साथ इस्तेमाल हुआ है नजमुन के साथ तारे के साथ जो तारा है वो उनमें से आता है जिनका अकल नहीं होती है ठीक है और जो जाले का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ इसलिए क्योंकि जो तारा है यहाँ पर यह दूर है ठीक है दूसरी मिसाल यहाँ पर आप देख लीजिए हादा मस्जिद, हादा मस्जिद, ठीक है वजा लिखा बैतुन वजा लिखा बैतुन और वह एक घर है ये एक मस्जिद है और वह एक घर है हादा यह एक घोड़ा है वह जालिका इमारन और वह एक गदा है देखिये यहाँ पर गदा जो है ये दूर है इसलिए यहाँ पर जालिका इस्तेमाल हुआ है अजालिका खलबुन अजा लिखा कलबुन क्या वह कुत्ता है क्या वह एक कुत्ता है ला नहीं खाक वह एक बिल्ला है ठीक है अजा लिखा कलबुन क्या वह एक कुत्ता है ला नहीं जैली का नहीं वो एक बिल्ला है मा मालिका वो क्या है जैली सरीरुन शरीर सरीरुन वो एक पलंग है ठीक है बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है चलिए आगे मन मंदहाजा व मनजालिका यह कौन है और वो कौन है यह कौन है और वो कौन है ठीक है हाजा मदर्रसन हाजा मदर्रसुन ये एक उस्ताद हैं वालिका इमाम और वो इमाम है देखिए हादा जो इस्तेमाल हुआ है वो करीब के लिए इस्तेमाल हुआ है और जो जालिका है वो किसके साथ इस्तेमाल हुआ है जो दूर है ठीक है बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है मा मालिका मा वो क्या है मालिका वो क्या है जालिका हजारन वो एक पत्थर है ये चीनी है, ठीक है शुगर जिसको हम बोलते हैं वजह लबन और वो दूध है वजह लबन और वो दूध है ठीक है तमरीन एक्सरसाइज अब हमको एक्सरसाइज करनी है ठीक है एक गक्तुब पढ़ो और लिखो रीड एंड राइट ये आपको काम लिखना पड़ेगा हाजा सुखर वजा लिख लबन ये चीनी है और वो दूध है मनजा लिखा वो कौन है जहाखा इमाम वह एक इमाम है अजा लिखा कितन क्या वह एक बिल्ला है ला नहीं जै लिखा खलबुन वह एक कुत्ता है मा हाजा ये क्या है हैदा हजर यह एक पत्थर है अलकलिमुलजदीद तो नए कलिमात यानि जो हम सीखते हैं इस सबक़ में यानि जो हमने सीखे नए कलि इस सबक़ में इमाम एक इमाम ठीक है जो मस्जिद का इमाम होता है हजरुन एक पत्थर सुची लबन दूध ठीक है बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है इसी के साथ हमने तआला अल्लाह ताला की मदद से हमने दूसरा सबक जो है वो मुकम्मल कर लिया इन अब हम मिलते हैं अगले हफ्ते अगले दर्ज़ के साथ दीजिए इजाज़त सुबह कल्लम हमदेक अशाद अस्त फ़िरको असल वरम् वर्का